अमरनाथ के रूप में नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यह वीडियो मध्य प्रदेश सरकार ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है, जिससे कमलनाथ हनुमान जी से आदेश लेकर मध्य प्रदेश की जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि हमारी सरकार आने पर आपकी समस्याओं को सुना जाएगा। वीडियो को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक का बयान सामने आया है। रागिनी ने कहा है कि कमलनाथ को जनता के सुपरनाथ बनाया गया है, वहीं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने का दावा भी किया। और कैसे घर चलाओ, मैं करूंगा हर। भगवान मुझे शक्ति दो ताकि मैं मध्य प्रदेश की भलाई और कल्याण का काम कर सकूं और प्रदेशवासियों को न्याय दिला सकूं। तथास्तु। मेरे ऊपर ये कर्जा अब बोझ बन गया है, कैसे बेटी की फीस दूं और कैसे घर चलाऊं? मैं करूंगा हर किसान का कर्ज माफ और हर बहन को 1500 रुपए और 500 रुपए में सिलेंडर देकर बनाऊंगा सशक्त। आमदनी कम और बिल अधिक, इसे हम कहां से दें? अब कौन करेगा हम गरीबों का घर रोशन? देखिए, जैसे ही आचार संहिता लगी, शिवराज सिंह का खुद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे थे महिलाओं के किसी कार्यक्रम में कि मैंने आचार संहिता से पहले तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाल दिया, अब आचार संहिता लग गई है तो अब चुपके से तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाल दूंगा। आज आपने एक बड़ा खुलासा किया है कि जो सरकारी स्कीम चल रही है उन पर शिवराज सिंह जी अपना बैनर पोस्टर लगाकर बांटने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो ये बता रहा है कि अब जब आग लग चुकी है तो शिवराज सिंह जी बुझाने के लिए बाल्टी ढूंढने के लिए जा रहे हैं। ये जो मन में आग धधक रही है ना जनता के, कि अब इस सरकार ने जो हमें प्रताड़ित किया है उसको सबक सिखाने का समय आ गया है, उसको अब ये शिवराज सिंह जी कितना ही झूठ फरेब कर लें, कितना ही उल्लंघन कर लें आचार संहिता का, वो बुझा नहीं पाएंगे।